हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको शिफॉन के कपड़े में कलर देना बताएंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे एक शिफॉन की साड़ी ली है। तो सबसे पहले हम एक बाल्टी पानी गर्म कर लेंगे, पानी को उबाल लेंगे। जिस हिसाब से आपका कपड़ा है उस हिसाब से आप पानी लें। तो हमने यहाँ पे साड़ी के हिसाब से एक बाल्टी पानी लिया। इसको हम अच्छे से उबाल लेंगे, जब तक इसमें फर्स्ट उबाल नहीं आएगी तब तक। यहाँ पे हमने एक छोटे से बर्तन में पानी लिया है, ये हम कलर बनाएंगे इसका। तो हम इसको भी उबाल लेंगे और जैसे ये उबल जाए तो हम इसमें 3 चम्मच नमक डालेंगे और 3 चम्मच नमक के साथ हम यहाँ इसमें कलर डालेंगे। यहाँ पे हमने 2.5 चम्मच कलर लिया है, तो ये कलर डाल देंगे। ये आपको ग्रोसरी शॉप पर मिल जाएगा। आप जिस कपड़े में कलर दे रहे हैं उस कपड़े के नेम से कलर लें, क्योंकि कपड़े के नाम से ही कलर आता है। अगर आप शिफॉन के कपड़े में कलर दे रहे हैं तो आप शिफॉन के कपड़े के नाम का कलर लें। इस कलर को अच्छे से उबाल लें। ये देखिए, हमारा बाल्टी का पानी तैयार हो गया है, उबल गया है, और जो हम कलर बना रहे हैं उसको भी हमें अच्छे से उबाल लेना है। तो अगर आप कॉटन का कपड़ा ले रहे हैं तो कॉटन कपड़े का अलग कलर आएगा, तो आप वो कलर लें, और अगर शिफॉन का ले रहे हैं तो शिफॉन के कपड़े का कलर लें। ये देखिए, हमारा कलर उबल गया है, ये अच्छे से बन चुका है। अगर आप कॉटन के कपड़े कलर शिफॉन के कपड़ों में दोगे तो ये कलर नहीं आएगा, इसलिए शिफॉन का कपड़े के कलर अलग आता है। तो वही कलर आपको ग्रोसरी शॉप पर मिल जाएगा, आप वहाँ से ले लें। ये देखो, हमारा कलर बन के तैयार हो गया है और हमारा बाल्टी का पानी भी उबल गया है। तो ये जो हमारा गर्म पानी है, हम इसको एक गहरे बर्तन में निकाल लेंगे। ये हमारा कलर है और गहरे बर्तन में हम अपने गर्म पानी को निकाल लेंगे और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच फिर से नमक। नमक डालने के बाद ये कलर को हम इसमें डालेंगे, कलर को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अगर आप लाइट कलर करना चाहते हैं तो आधा डाल दें, डार्क करना चाहते हैं तो पूरा डाल दें। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा कलर डालेंगे और मिक्स करेंगे, देख लेंगे कि जिस हिसाब से हमें अपने कपड़े में कलर देना है उस हिसाब से कलर है तो उस हिसाब से हम डालेंगे। अगर ज़्यादा डार्क करना है तो हम सारा डाल देंगे। तो हम इसमें धीरे धीरे करके कलर डालेंगे। मैंने इसमें सारा कलर डाल दिया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम अपने जो हमने शिफॉन का कपड़ा लिया है, मतलब शिफॉन की साड़ी, उसको हम पहले ठंडे पानी में अच्छे से भिगो लेंगे। ये हमारा कलर तैयार है और ये ठंडा पानी, इसमें अपनी शिफॉन की साड़ी को अच्छे से भिगो लेंगे। भिगोने के बाद हम इसका सारा पानी निकाल देंगे। इसका हम सारा पानी निकाल देंगे। निकालने के बाद हम इसको, ये हमने सारा पानी निकाल दिया। निकालने के बाद हम इसको धीरे धीरे सीधा बिल्कुल उसमें कलर में डालेंगे, पूरा खोल लेंगे साड़ी को और फिर हम इसको कलर में डाल देंगे। कलर गहरे बर्तन में लें जिसमें साड़ी सारी कलर में डूब जाए। जो हमारा कपड़ा रहता है वो कलर के अंदर रहना चाहिए, जिससे उसमें अच्छे से सारे कपड़े पर कलर आ जाए। तो हम इसको 30 मिनट के लिए कलर में रखेंगे। तो हम इसको ऐसे 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे और फिर हम 30 मिनट बाद चेक करेंगे, फिर साड़ी पर कलर आ जाएगा। ये देखिए, हमारे 30 मिनट कंप्लीट हो गए हैं और अब हमारी साड़ी ग्रीन कलर की हो गई है, मतलब इस पर परफेक्ट कलर आ गया है। कॉटन के कपड़े में कलर दो तो उसको हम कलर देने के बाद ठंडे पानी में भिगो लेते हैं, लेकिन शिफॉन में ऐसा कुछ नहीं है। इस पर पतला कपड़ा रहता है तो इस पर एक ये ठंडे पानी में हम इसको नहीं भिगोएंगे, क्योंकि शिफॉन का कपड़ा पतला रहता है। तो इस पर एक सा कलर आया है, देखो कहीं भी धब्बे नहीं आए हैं, सारा कलर एक सा आया है। तो इसको ठंडे पानी में भिगोने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको कलर में से निकाल के और सीधा सूखने के लिए हम डाल सकते हैं। और अगर कॉटन में दे रहे हैं तो उसको कलर के बाद एक बार ठंडे पानी में भिगोया जाता है, क्योंकि उस पर कहीं कहीं धब्बे जैसे आ जाते हैं एक सा करने के लिए। शिफॉन में ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो पतला रहता है। अब हम इसको कलर से निकाल के धूप में सूखने के लिए डाल देंगे। ये देखिए, हमारा परफेक्ट कलर आ गया है। वाइट साड़ी थी, बिल्कुल ग्रीन हो गई है। तो हम इसको धूप में सूखने के लिए डाल देंगे और फिर सूखने के बाद इसका बाकी का कलर पता चलेगा कि कैसा आया है।
ये देखिए हमारी साड़ी सूख चुकी है और इस पर बिल्कुल परफेक्ट ग्रीन कलर आ गया है। तो आप भी सेम इसी तरीके से शिफॉन के कपड़े में कलर दे सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।